रामायण के ऊपर 500 दिन का पोस्ट प्रोडक्शन दिया है भाई इन्होंने, ले लो यार फिर पोस्ट प्रोडक्शन में रहेगी। तो 2025 में कैसे आएगी फिर? नहीं बोल रहा है 2025 दिवाली तक कम करेंगे। नहीं नहीं हो पाएगा, नहीं तो 2025 दिवाली इज दी ओनली वो उनकी टारगेट डेट। वो बता है, वो 2026 का मुझे याद है रिपोर्ट्स का जितना मुझे, उन्होंने क्लियरली पोस्ट प्रोडक्शन बोला है उसको पूरा काम। तो मैं बता रहा हूँ उनका क्या क्या उनका क्या सिस्टम है। उन्होंने उसकी शूटिंग स्टार्ट कर दी है, जो उसके एक्स्ट्राज है दे हैव स्टार्टेड शूटिंग फॉर इट। तो उसके ऊपर वो अभी से काम पे लग जाएंगे, अभी से काम शुरू कर देंगे। तो वो जो उसका वो जो वानर सेना वाले शॉट्स हैं, तो 500 दिन कितना होता है, 365 और 135 बज हुआ ना आई थिंक वो प्रायोरिटी बेसिस पे ना। तो फिर हो जाएगा दिवाली तक, हो जाएगा अगर मतलब आपसे वो लोग कर रहे हैं तो दिवाली तक हो जाएगा। वो वही ना कि जो प्रायोरिटी बेसिस है कि भाई हाँ श्री राम तो इधर है लेकिन बाकी जो VFX वाले शॉट्स हैं ये तो कर ले अपन अभी, ठीक है। वो मतलब उसका पोस्ट प्रोडक्शन वाला जो काम है, जो डीनेक का काम है, वो वानर सेना वगैरह वो हो गई पूरी, शायद उसके ऊपर वो एक्सटेंसिवली काम करे इतने टाइम तक। जो भी VFX वाला काम है वो या फिर वो वही ना वर्ल्ड बिल्डिंग हिसाब जो भी जैसे दिखाएंगे उनके ऊपर। वर्ल्ड बिल्डिंग भी हो, पता है वो अपन को भी पता नहीं है, वो एक्चुअली काफी पहले से काम शुरू हो चुका है। वही वही उन्होंने वो तो अनाउंस अभी किया ना नीतीश तिवारी। भाई कब से सुन रहे अपन, अपन ने शायद 5-10 पॉडकास्ट पहले बात करी हुई थी कि नीतीश तिवारी की रिमाइंड नहीं बन रही है नहीं फिर जो भी है इतने टाइम। लेकिन ये भी अभी टाइटल भी रखा हुआ था, आज ही मैं सुना कि आदिपुरुष आई थी उसके आसपास अपन ने किया हुआ था, आदिपुरुष के बाद, आदिपुरुष के जस्ट कुछ टाइम बाद, ठीक है जस्ट। तो उसको भाई 6 महीने हो गए जहाँ पता है। आज ही मैंने ये सुनी कि विजय सेतुपति से बात की जा रही है मूवी में विभीषण के रोल के लिए, और वो उसके पहले लॉर्ड बॉबी is going to be Kumbhkaran। लारा दत्ता का शायद कैकई का रोल है, okay। ये मैंने सुना है, ये मतलब बनाओ ट्रिलॉजी मस्त, ठीक माहौल सेट रहेगा। जब से इसके बारे में सुना था तब से ही एक्साइटेड था कि भाई क्या बनाएंगे, मतलब काफी लुक फॉरवर्ड। और मैंने इसका जब पहले ट्वीट मारा था तो बता तो शाने लोग आए भाई, एक तो मैं तूने नीतीश तिवारी की पिक्चर देखी भी है, क्या बनाया उसने, बच्चों वाली पिक्चरें बनाता है वो भाई। मैं तो चाहता हूँ नीतीश तिवारी ना अपने स्टूडियो में आदिपुरुष का पोस्टर लगाए, रोज रिमाइंड करे खुद को कि क्या फकअप नहीं करना है, ठीक है। मेरे को लगता है ना, और ये चीज थोड़ा सा सही डायरेक्शन में भी जा रही है, क्योंकि जैसे अगर तुम देखोगे तो ट्रिलॉजी है ऑलरेडी, तो वो मतलब ऑलरेडी उसके लिए वही टाइम अगर आप ले रहे हो ना तो उसके साथ ऑलरेडी यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। अगर आप उसमें टाइम ले रहे हो तो फिर आप उसकी एक एक चीज को टाइम दे रहे हो, फिर आप ये नहीं है कि जंप कर रहे हो। आई थिंक बता पहली पिक्चर अभी सोलो ही शूट करेंगे, उसके बाद 2 और 3 बैक टू बैक करेंगे वो। हाँ प्रोबेबली पहली पिक्चर वो टेस्ट के लिए कि मार्केट बनता है इसके लिए, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लाने की कोशिश करेंगे। 3 बैक टू बैक किया तो भाई फिर बात है, जब अगर वही ना, अगर 1-1 सही चल गई तो 2-3 बैक टू बैक आराम से कर सकते, कोई टेंशन नहीं है। नहीं वो 2 और 3 बैक टू बैक करना इजी भी इसलिए ना क्योंकि 1 और 2 के जो कैरेक्टर, मतलब 1 और 2 और 3 के जो कैरेक्टर्स है ना वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। क्योंकि वो 2 और 3 में फिर वो रावण और फिर वो वाले जो पूरा वॉर वाला सीन है ना भाई, बात करिए कि इसके ऊपर की फर्स्ट पार्ट जो मतलब मोस्ट प्रोबेबली खत्म होगी वो सीताहरण पे ना, सेतु से, हाँ सीताहरण या फिर सेतु बनाने के काम के ठीक पहले से कि हाँ वो करने जा रहे हैं।